हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिड एग्जाम। गाइस, कल हमने कंप्यूटर के मात्र 30 क्वेश्चन देखे थे, जिसमें से आज हम 20 क्वेश्चन उसके और देखेंगे। दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एग्जाम है, जो 2016 के छात्र शिक्षक में पूछे गए थे। दोस्तों, पहले हम हिंदी के 10 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो कल का जो शेष कंप्यूटर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन और बचा हुआ है उसको हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हर एग्जाम में प्रीवियस ईयर के 2 से 3 क्वेश्चन फंसते हैं। अगर हम सभी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे ना, तो बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा नया क्वेश्चन। दोस्तों, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है? तो इनमें से कौन सा वाक्य है? तो इसका सही आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर सी, संकेत सूचक वाक्य है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, मतलब संकेत सूचक। नेक्स्ट है, भाई बहन में कौन सा समास है? तो भाई बहन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर गाइस, ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नींद आना। ये सभी क्वेश्चन छात्र अधीक्षक 2016 के एग्जाम पेपर से लिया गया है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल में दोनों जा आधा रहता है, इसलिए उज्ज्वल सही वर्तनी है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रसाल। रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो पवित्र में कौन सी संधि का उपयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर डी, अयादि संधि का उपयोग हुआ है पवित्र में। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लड़का। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील किस भाषा का शब्द है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीनी भाषा का शब्द है चाय। कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? तो इनमें से कौन सा वस्त्र पुल्लिंग है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुर्ता। तो कुर्ता। तो गाइस, ये मतलब कंप्यूटर हिंदी का प्रश्न था। पिछले बार हिंदी के 10 प्रश्न आए थे, लेकिन इस बार हिंदी के मात्र 5 प्रश्न ही आएंगे, जो कि काफी कम है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो हिंदी के जितने भी क्वेश्चन अभी आएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस, कल हम 29 तक प्रश्न देखे थे कंप्यूटर के, आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न कंप्यूटर के रहेगा। दोस्तों, आपको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से निकल सके। तो चलिए गाइस, आगे क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर का। ये एक सूत्र में सेल एड्रेस पता करने के लिए, पता मतलब इसका क्या मतलब होता है? तो इसका क्या मतलब होता है गाइस? ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में नया फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मतलब नया फाइल मतलब ओपन करने के लिए। तो इसका सही आंसर गाइस, कंट्रोल प्लस एन, मतलब न्यू फाइल। कंट्रोल को और एन को दबाओगे तो नया फाइल ओपन होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक फैमिली हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त उपयुक्त होता है? तो कौन सा लॉजिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ECL यूज होता है। नेक्स्ट है, स्ट्रीम के प्लेबैक में जो विलंब होता है वह क्या कहलाता है? तो स्ट्रीम के जो प्लेबैक में विलंब होता है, मतलब विलंब मतलब समय लगना, तो वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है गाइस, ऑप्शन नंबर सी, जीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लेजिटिमेट प्रोग्राम में एक एम्बेडेड कोड है जो शर्तों के पूर्ण होने पर एक्सप्लोड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉजिक बम। नेक्स्ट गाइस, वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाली पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, फिल रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज वर्जन 64 बिट प्रोसेसर को सपोर्ट करता है?
तो इनमें से कौन सा वर्जन 64 बिट विंडोज प्रोसेसर को सपोर्ट करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंडोज एक्सपी। नेक्स्ट है, ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर बनाने के लिए प्रिंटिंग हेड तथा पेपर को एक साथ फोर्स किया जाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर गाइस ऑप्शन नंबर ए, इंपैक्ट प्रिंटर। गाइस आपको प्रिंटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी में मिल जाएगा दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंटर से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है, तो बैंकर एल्गोरिथम का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, डेड लॉक रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गाइस, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? तो इनमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोटबुक सबसे छोटा कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है? तो ग्राफिक्स प्रिंट कौन सा प्रिंटर नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में स्पेल चेक यानी कि स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो स्पेलिंग चेक के लिए दोस्तों F7, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एग्जाम में, तो F7 का उपयोग करके हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो कौन सा सर्वर देता है? POP3, POP3, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन में नए टर्म सर्च करता है तथा उसे डाटाबेस में स्टोर करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉलर। नेक्स्ट है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन मस्तिष्क होता है, तो ब्रेन मस्तिष्क क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है गाइस, निम्नलिखित में कौन सा मेलिशियस प्रोग्राम स्वचालन से रेप्लिकेट नहीं करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर जो कि नुकसानदायक विनाश करने वाले प्रोग्राम को ढूंढता है, हटाता है, इससे बचाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटीवायरस। नेक्स्ट है, सब स्क्रिप्ट H2O जैसे कैरेक्टर के लिए निम्नलिखित की कॉम्बिनेशन उपयोग किया जाता है? तो कौन सा की कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस इक्वल। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लस्टर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम, इनपुट डिवाइस नहीं है। वेबसाइट के एक वेब पेज पर खालिस्तान को क्लिक करने पर आंतरिक लेवल के वेब पेज पर जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे। गैस ये सभी क्वेश्चन छात्रा शिक्षक 2016 के प्रश्न हैं, जिसको मैं बहुत ही प्रयास से आपके सामने लाया हूँ। दोस्तों ऐसे सीरीज और लाऊंगा आपके लिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको बहुत ही जल्द आपको नए सीरीज की वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाए।